बसपा के कदावर नेता और पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई और बहन की पत्नी पर आगरा पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पूर्व मंत्री के भाई और उनकी पत्नी पर धोखाधड़ी कर बैंक ऋण के बाद रिकवरी में अधिकृत हुए प्लेट को 1.5 करोड़ रुपए लेकर फर्जी बेनामा करवाने का आरोप लगे हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, पर आरोपी के रसूख के चलते अब पीड़ित शिकायतकर्ता को जान का खतरा लग रहा है। पीड़ित ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। जानकारी के मुताबिक सदर थाना क्षेत्र के राजपुर चुंगी निवासी विवेक अग्रवाल अपने भाई और बहन के साथ रहना चाहते थे। इसके लिए उन्हें बड़ी जमीन की जरूरत थी। दलालों के माध्यम से उनका संपर्क पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई गाजियाबाद निवासी विनोद उपाध्याय और उनकी पत्नी सरोज उपाध्याय से हुआ। उन्होंने विवेक को शास्त्रीपुरम क्षेत्र में 192 वर्ग मीटर के बगल के 2 प्लॉट अपनी बताकर दिखाए और बेटी की शादी के कारण उन्हें बेचने की बात कही। इसके बाद विनोद उपाध्याय ने थोड़ा पैसा लेकर पत्नी सरोज उपाध्याय से कुछ भाग की रजिस्ट्री करवाई और फिर पैसे की जल्दी बताते हुए किसी रिश्तेदार के नाम मुक्तारनामा करके पूरे पैसे का दबाव बनाया। पीड़ित विवेक अग्रवाल ने उनकी बात मानकर पूरे पैसे देकर अपने रिश्तेदार के नाम मुक्तारनामा करवा लिया। कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि दोनों प्लॉट पर मैसर्स रामवर्ती चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से SBI से लोन लिया हुआ है और पैसा अदा न होने पर बैंक ने प्लॉट को अधिकृत किया हुआ है। इसके बाद परेशान पीड़ित विवेक का आरोप है कि बेईमानी पर उन्होंने जब विनोद उपाध्याय से पैसे मांगे तो उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने जब आगरा SSP अमित पाठक से शिकायत की तो जांच में दोषी पाए जाने पर SSP के आदेश पर पूर्व मंत्री के भाई और उनकी पत्नी पर धारा 420 समेत कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। क्या नाम है आपका? विवेक अग्रवाल। क्या पेशा है आपका? मैं एक कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ। क्या मामला है ये? ये मेरे को अपने घर के रहने के लिए एक बड़ी जगह की आवश्यकता थी। हम 3 भाई बहन हैं, एक साथ रहना चाहते थे हम लोग, तो एक प्लॉट देख रहे थे पूरा फेस में कोई मिल जाए। तो बाद में कुछ ब्रोकर्स हैं उनके द्वारा जांच आया कि ये प्लॉट ऐसे से बिक रहा है, तो फिर उन लोगों ने बात करा के ये विनोद उपाध्याय हैं और इनकी वाइफ हैं, ये मंत्री जी हैं रामवीर उपाध्याय जी, उनके सगे भाई हैं। इन्होंने उस प्लॉट का विक्रय मेरे को तय किया एक निश्चित अमाउंट में और भेज दिया उसको, और बिल्कुल मेरे को ये प्लॉट बैंक में बंधक था, उसके बारे में ना कुछ बताया ना कोई जानकारी दी, बल्कि एक रजिस्ट्री और 3 के हाथ में और ये जिसको मेरे को दिखाया गया, और उस तरह से उन्होंने धोखाधड़ी करके मेरे से रजिस्ट्री कर दिया और पूरे पैसे ले लिए। ये जो है कितने लोग दबंग हैं विनोद? ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये मैंने शिकायत किया SSP साहब के यहाँ पर, तो उन्होंने जांच वगैरह करके इसमें कुछ कार्रवाई करी अपने हिसाब से, लेकिन जिस तरह के लोग हैं इससे मेरे को लगता है मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, तो मेरे को सुरक्षा भी दिलवाई जाए इस कंडीशन में जो बहुत जरूरी है मेरे लिए। विनोद उपाध्याय का पर्चे क्या है? ये मंत्री जी हैं, बसपा मंत्री जी हैं श्री रामवीर उपाध्याय जी, उनके सगे भाई हैं। इन्होंने धोखाधड़ी करी है। ठीक है।